हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप गाइस कि आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। और गाइस, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अमेजिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में आपको गाइस नॉर्मल फ़ोटो को DSLR वाले लुक में चेंज करके दिखाने वाला हूँ। वो भी गाइस बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में आपको सिखाऊंगा। गाइस आपको एक ही स्टेप करना है, उसके बाद गाइस आपको जो फोटो है एकदम DSLR वाले लुक में एकदम भयंकर चेंज होके आ जाएगा। वैस मैं आप लोगों से पहले यही बोलना चाहूँगा कि भाई जो लोग भी इस वीडियो को करेंगे स्किप, तो वैसे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घाटा होने वाला है। वैसे इस वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए हुए देखें, बिकॉज गाइस आप लोगों को इससे ज़्यादा ज़्यादा फायदा होगा और गाइस DSLR और लुक लाने आप लोग काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। और गाइस मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा DSLR वाला जो लुक होता है वो गाइस मैं आपको स्नैपसीड के अंदर ही ला के दिखा देने वाला हूँ। और गाइस जो लोग स्नैपसीड का इस्तेमाल नहीं करते, स्नैपसीड यूज़र नहीं है, वैसे उनके लिए मैं बता दूँ स्नैपसीड का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में, वहाँ से आप लोग उसको ले सकते हो अपने फ़ोन में। तो वैसे चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो को और जाने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा अपने भाई का नाम भी जान लो। मेरा नाम है श्रवण और आप लोग देख रहे हो श्रवण फोटोग्राफी चैनल। तो वैसे मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जो भी बंदा चैनल पर फर्स्ट बार आया तो प्लीज़ वीडियो कर देगा एक लाइक और चैनल को साथ साथ कर देगा सब्सक्राइब, ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग उस नोटिफिकेशन में देख के और भी नई नई फोटो एडिटिंग सीख सको। तो भाई चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो गाइस मैं आ जाऊँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। अब गाइस हम लोग वाला फोटो ओपन कर लेंगे जिस लोगों को एडिट करना है। तो गाइस इस फोटो को मैं जल्दी से लाइटरूम में कर लेता हूँ शेयर। आप लोग भी गाइस इस टाइप से कुछ लाइटरूम में शेयर कर लीजिएगा अपने फोटो को, जिस फोटो को आपको एडिट करना है। इसके बाद गाइस आप लोग मुझे स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा और स्टेप बाय स्टेप सीख जाइए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस इसके बाद। सो गाइस सो लेट्स स्टार्ट अस। उसके बाद गाइस आपका फ़ोटो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मेरे स्टेप बाय स्टेप सीख लेने के बाद आपका फ़ोटो कुछ इस टाइप में लुक में आ जाएगा। तो गाइस इस फोटो को हम लोग गैलरी में कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद गाइस अब हम लोग इस फोटो को पिक्सआर्ट में ले आएंगे। पिक्सआर्ट में कैसे अब गाइस इस फोटो को हम लोग पिक्सआर्ट में शेयर करेंगे। गाइस पिक्सआर्ट में शेयर करने के लिए गाइस शेयर पे क्लिक करके हम लोग पिक्सआर्ट में से इस फोटो को कर लेंगे ओपन। तो गाइस मैं यहाँ पर मैं पिक्सआर्ट में इस फोटो को कर लिया हूँ ओपन। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ से आप लोग मुझे स्टेप बाय स्टेप देखते जाएगा और गाइस आई का जो हाँ, तो गाइस मैं यहाँ पे एक आई यूज़ करने वाला हूँ। गाइस उस फोटो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ से आप लोग इजीली उस फोटो को ले सकते हो अपने फ़ोन में। तो गाइस आराम से इस तरह से आई को आप ले लीजिएगा और उसके बाद जहाँ पर आपका आई रहेगा वहाँ पर आप लगा दीजिएगा आई को, आई वाला जो फोटो है इसको लगा दीजिएगा अपने आई के सामने लगा के इस तरह से कुछ इरेजर में आके। वैसे इरेजर का साइज़ आप लोग देख लो, जितना मैं रखा हूँ साइज ओपेसिटी हाइडनेस आप लोग भी इतना ही रखिएगा, क्योंकि वैसे इतना में आराम से वैसे इरेज होता है, बिल्कुल ही रियल वाला लुक आएगा। वैसे इतना हो जाने के बाद आप लोग फर्स्ट वाला जो आई है पहले उसका हम लोग बना लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला आई का हमारा आराम से हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला आई का हो चुका है। अब सेकंड वाला आई भी हम लोग जल्दी से ले लेते हैं ऐड फोटो में जाके। तो गाइस ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद वही वाला आई का PNG आप लोग सेकंड वाले में भी ले लीजिएगा, क्योंकि इस आई से ग्लो काफ़ी ज़्यादा मतलब अमेजिंग फोटो एडिटिंग आज का होने वाला है। ज़रा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जब फोटो रेडी होगा ना गाइस तो आप लोग भी देख के कोई एकदम अमेजिंग फ़ोटो एडिटिंग हुआ है। वैस इसको भी आराम से हम लोग लगा लेंगे आई के ऊपर अपने आराम से। इसको लगा लेने के बाद भी आराम से लगा लेने के बाद गाइस आप लोग इसका साइज़ अपने हिसाब से देख के रखिएगा, जितना मैं रखा हूँ आप लोग भी उतना ही रखिएगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको भी हमने लगा लिया अच्छे से आई के पास। अब गाइस इसका ओपेसिटी हम लोग देखेंगे, गाइस आई में कुछ ज़्यादा है लाइट हो रहा है। तो गाइस इसका ओपेसिटी मैं 61 के अराउंड रखा हूँ। आप लोग भाई 61 के अराउंड 60 मतलब जितना आप लोग सूट करता है उतने कराउंड आप लोग रख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फ़ोटो मेरा लग रहा है। गाइस ऐसे आप अपने फ़ोटो का एकदम अमेजिंग का लुक देख सकते हो। गाइस बिफोर एंड आफ्टर करके आप लोगों को दिखाई देता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर गाइस आप लोग देखो काफ़ी ज़्यादा आई का बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आया। तो गाइस इस टाइप से अपने फ़ोटो को अमेजिंग बना सकते हो। आई होप गाइस कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। और गाइस आज का वीडियो आप लोग पसंद आया है तो करना कुछ भी नहीं है, हमारे वीडियो को सिंपल से कर देना है एक लाइक और चैनल को साथ साथ कर देना है सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट लिख देना है। गाइस नाइस अच्छा आपने वैसे जो भी आपको कैसे अच्छा लगे हमारे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
गाइस चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूंगा गाइस, आप लोग मुझे माफ कर देना क्योंकि गाइस इस वीडियो में ज्यादा उतना अच्छे से नहीं बता पाया, बिकॉज गाइस आप लोग इस वीडियो का ड्यूरेशन नीचे देख सकते हो काफी ज्यादा पहले से ही लंबा हो चुका था, इसलिए गाइस मैं इस वीडियो में उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया और आप लोगों को अच्छे से नहीं बता पाया, तो इसलिए गाइस मुझे दिल से सॉरी आप लोगों से बोलना चाहता हूं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।